हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए भारत का जीके सभी एग्जामों के लिए एक क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़े, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। साथियों, हमने इसमें आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, भारत की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके वास्को डी गामा, फाइयान, अलबरूनी या इब्न बतूता। राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, जो वास्को डी गामा था। साथियों, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, और कब की थी साथियों? 1498 ईस्वी में साथियों वास्को डी गामा भारत आया था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, मानक जो समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये कैसी हो जाएगी भारत की मानक समय रेखा। क्वेश्चन नंबर साथियों तीन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सभी लोग राइट आंसर देंगे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चार है मित्रों, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसको पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, जो आपके विनोदा भावे हैं ये साथियों मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर पाँच है मित्रों, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो स्वांग लोक नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सभी लोग राइट आंसर करेंगे, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत में 25 उच्च न्यायालय साथियों प्रेजेंट टाइम में यानी प्रेजेंट समय में हैं। क्वेश्चन नंबर सात है मित्रों, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो सभी लोग राइट आंसर देंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा साथियों इसका फैसला करती है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह इसका फैसला करता है। क्वेश्चन नंबर आठ है मित्रों, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो सभी लोग राइट आंसर देंगे, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश। राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, जो आपका भूटान है विश्व का पहला देश है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सभी लोग राइट आंसर देंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को साथियों हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, जो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है वह आपका उपराष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसका आंसर होगा बी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति इसका मुखिया होता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 मित्रों, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? अंग्रेजों के नमक कानून था इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध चलाया था। क्वेश्चन नंबर 12 मित्रों, इनमें से भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक होता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादक किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में साथियों सबसे अधिक मात्रा में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सभी लोग राइट आंसर देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी
ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। सूरत में साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूरत। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल किया जाता है? सॉरी, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? सभी लोग राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 14, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी खेल में चाहते हैं बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी लोग राइट आंसर देंगे, किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर को साथियों झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सभी लोग राइट आंसर देंगे, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 1875 में साथियों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद कितने हैं साथियों? वेद हैं आपके चार, और वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका ऋग्वेद है ये साथियों सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांबे, जो कि आपका मुंबई में पड़ता है। यहाँ पर साथियों आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1928 के वारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, 1928 के वारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने साथियों 1928 के वारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। सॉरी, राइट आंसर होगा मित्रों इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका किया था सही हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सभी लोग राइट आंसर देंगे, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने साथियों खालसा पंथ की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? तो सभी लोग राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी साथियों भारत की पहली महिला आईपीएस है यानी आईपीएस अधिकारी बनी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 23 है, और सभी लोग सही आंसर करेंगे, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का ये प्रसिद्ध नृत्य शास्त्रीय नृत्य है कथक। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? राइट आंसर करेंगे सभी लोग, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट खेल में चाहते हो चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है मित्रों, आयस्कर पुरस्कार संबंध किस क्षेत्र से है? जो आपका आयस्कर पुरस्कार है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, सिनेमा, विज्ञान या फिर चिकित्सा? राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा से संबंधित है आयस्कर पुरस्कार का। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सभी लोग सही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 26 का, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, जो आपका हीरा है ये सबसे कठोर तत्व होता है।
पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो सभी लोग राइट आंसर देंगे, जो आपका पटना है इसका प्राचीन नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, पाटिल पुत्र के नाम से पहले पटना को जाना जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटिल पुत्र। क्वेश्चन नंबर 28 है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? साथियों जो आगा खां कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो सभी लोग राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आपका हॉकी खेल है, हॉकी खेल में साथियों आगा खां कप से सम्मानित किया जाता है। आगा का खां जो कप है इस हॉकी खेल में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस भारतीय राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है? तो सभी लोग सही आंसर करेंगे एकदम, किस भारतीय राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपका नागालैंड राज्य है इसकी साथियों जो राज्य की भाषा है वह अंग्रेजी है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो आपका बांदीपुर अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर बी, आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर जो अभ्यारण्य है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मित्रों ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे अवतार स्टडी 704 को फॉलो करें, हमारे अवतार स्टडी 704 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों में क्लास को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।